rules were like really strict in our college regarding cell phones. Like we were not allowed. हाँ वही पूरा पूरा कैंपस वाईफाई फोन ही अलाउड. अरे और ऐसा लिखा था कि दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बट कोई भी दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कॉलेज में आएगा ऐसा रूल है ही नहीं. यूनिवर्सिटी का आदमी खुद आके कॉल में बात करता था फोन में कैंपस में. कुछ भी क्या क्या बोलता है पब्लिक. ऐसा घूमते रहता था वो बंदा ऐसा. वो उसका काम वही है ना, बच्चों के हाथ से सिर्फ जोर से फोन छीन के भाग रहा. उसने तीन 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 साल का कोर्स किया कोई ऐसे नॉर्डिक कंट्री में, ऐसे फिनलैंड गया ऐसा कोई कोर्स था. फिनलैंड में होता रहेगा ना ऐसा कोर्स. बातचीत होता है हर चीज का कोर्स है ना वहां पे. अभी फोन स्नैचिंग का उसने 3 साल का अलग से कोर्स का थीसिस लिखा है, उस पे पब्लिश हुआ उसका पेपर. If weather is humid, how much force should you apply to pull it out of the hand of a 17-year-old weak teenager? Places where kids are most vulnerable using their phones. ऐसा सब चीजें बहुत पढ़ाई किया उसने, थीसिस वीसिस लिखा है, प्रोफेसर है. और वो फोन छीन के जाता था फिर उसको फॉलो करने का, अरे अरे दादा ध्याना, अरे दादा अरे कशरा जाओद्या जाओद्या. फिर हजार रुपया मांगता था, हजार रुपया हजार तभी साला पैसा, 10-16 रुपए का टिकट के लिए इतना सोच के बस का टिकट खरीदना पड़ता, पैसा नहीं होता अभी तू. हाँ पैसा नहीं होता, 1000 रुपए फोन का कहाँ देगा भाई 1000 रुपए फोन का. और वो एक्सपेक्ट करता था कि कॉलेज के बच्चों के जेब में तो होगा ही 1000 रुपए अपने. उसके खुद के जेब में था क्या कभी? चाइनीज वाले काउंटर पे नेपाली आदमी को खड़ा किया था, काफी रेसिस्ट था वो. और ऐसा हो गया था भाई देखो, लाइक आई थिंक आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, तभी ऐसा हो गया था कि चाइनीज फास्ट फूड बहुत ऐसा पॉपुलर हो गया था मुंबई में, ऐसे तेरे को स्टॉल बहुत दिखेंगे. तो पता नहीं कहाँ से लेके थे, सब जगह पर ऐसे नेपाली टाइप लोग ही देते, वो लोग ऐसा शायद लेके आते थे या पता नहीं क्या. उन मतलब चाइनीज इंग्रेडिएंट्स ऑथेंटिक नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन दिखने में तो आदमी तो दिखने में चाहिए. तभी कुछ पता भी नहीं था ना पब्लिक को, तभी स्टार्ट होता था ये थोड़ा सा भी ऐसा चाइनीज आके ऐसा नॉर्मल रहेगा इधर का ये एरिया का, फिर भी ऐसा आके रहेगा तो इधर से लूंगा मैं, ये चाइनीज बनता है, ये चाइनीज अच्छा बनेगा. फिर अरे तो कोई आदमी बाहर से समझ आ रहेगा वो बेचारा ट्राई करेगा अरे मैंड्रिन में को बोलने को, बोलेगा ऐसा कुछ ये चाइनीज में बोलेगा कि मेरे को एक एड्रेस दे दो, वो मराठी में बोल रहा है काय रे नीट नीट बोल का पड़त ने, कंफ्यूज आएगा आदमी सब क्या है ये देश. काफी सारे कल्चर्स का एक मीटिंग पॉइंट है, उसको लगेगा कि हाँ भाई सही बोलते हैं देश के बारे में. काफी सारे कल्चर्स मीट होते हैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही. चाइनीज आदमी मराठी में बोल रहा है उसको, चाइनीज बंदा कंफ्यूज बोला इतने सारे डायलेक्ट तो मेरे को भी नहीं पता. इतने सारे डायलेक्ट से मेरे को भी नहीं पता. मोमोज मिलता था कॉलेज के बाहर, मैजिक मोमो. हाँ मतलब उसके बाद ऐसा कुछ था नहीं, वैसे इक्विपमेंट सामग्री नहीं था ऐसा कुछ, ऐसा हाथ से ऐसे करता था वो. दो मिनट तक ऐसे कुछ ऐसे नीचे से ऐसे करता था और हम लोग यहाँ वहाँ देखते थे ऐसा. हाँ नहीं नहीं वो बोलता था कि कौन सा मोमोज चाहिए, हमने बोला खाने वाला, बोलता है अरे ऐसा नहीं बोल रहा. तो बोलता था नहीं नहीं बताओ कौन सा वाला, वेज मोमोज चिकन मोमोज क्या चाहिए, बोलेगा वेज मोमोज. बोलता था उधर देखो, उधर देखने का वापस देखने का, अरे मोमोज तैयार ही लिया कहाँ से लाया, उसके इसके ऊपर कुछ था ही नहीं, टेबल के ऊपर कुछ सामग्री नहीं था, कुछ नहीं बनाया किधर ये कब बनाया. मैजिक मोमोज था यार. लेकिन कुछ करता था नीचे था. बोलता था अरे उधर का जूस, बोलता था जाओ जूस पी के आओ तुम. नहीं सिर्फ दिखा था कि वो देखो जूस चल रहा है वहां पे, तू उसे देखेगा ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता था. वो देखो कलिंगड़ पान थूक रहा है, ऐसा कुछ भी बोलेगा वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. तू देखे आप सर मोमोज किधर से आ गया भाई, वो बोलता है वो मोदी नरेंद्र
कुछ भी बोल के ध्यान भटकाता था और वो ऐसे लेके आता मस्त अपन था। बेस्ट बेस्ट चीज तो मैंने देखा अपने वही कॉलेज के पास जो भी दुकान थे खाने का, तो बहुत सारा दुकान था, एक एक जेरोक्स का दुकान था, और जेरोक्स की दुकान के बाहर बेशर्मी से लिखा हुआ था कि कंप्लीट योर असाइनमेंट पर पेज 20 रुपीज। नो 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 प्रिटेंस, क्लियरली बता देते थे असाइनमेंट लिख देंगे हम, तुम जाओ जाके ऐश करो, इन्फिनिटी 2 में जाके खेलो, मैकडोनल्ड्स मैकालू टिक्की बर्गर खाओ, रोलर कोस्टर पे बैठो। वैसे वो 20 रुपए भर के कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो लिख के उसका कुछ होने नहीं वाला था, किसी और का छाप के। और 20 रुपया पर पेज तो बहुत ज्यादा कमा रहे थे वो लोग, क्योंकि बहुत कितना लिखने का था यार असाइनमेंट, 100 पेजेस तो रहता था हर सेमिस्टर में, सेमिस्टर क्या हर सब्जेक्ट में। हाँ एग्जैक्टली, बहुत लिखने का था। फिर ऐसे टूवर्ड्स दी एंड जब सबमिशन होता, एक दो हफ्ते बजे तो ऐसे वो होने लगता था, रूमर्स फैलने लगता था, अरे ये असाइनमेंट का तो 150 पेजेस का, 200 पेजेस का, कुछ भी अफवाह फैलता था कि अरे असाइनमेंट कल सबमिट करना है, क्या दो हफ्ता, टीचर तो 2 हफ्ता बोली, बोलते नहीं टीचर मेरे को आके कान में बोली कि कल सबमिट करना है, या तो कुछ भी बकवास चलता था, कल ही सबमिट करना है, और फिर कल आता था तेरा हुआ नहीं ठीक है कम्प्लीट, और जो जो लोग सबमिट करके आए वो लोग का हो गया, और कुछ कुछ लोग का रिजेक्ट होके आ गया, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं भाई नहीं ले रहे, चमाट मार रहे, नहीं होने वाला अभी सबमिट नहीं होता है, वो लोग टीचर बोल रही है कि सबमिट करना है, 5 चमाट खाना पड़ेगा, ऐसा बकवास। तो एक्सपेरिमेंट लिखने का रहता था, एक्सपेरिमेंट्स लिखने का रहता था, और सब लिखा इज्जत में ठीक है, डेट वेट डाला, जैसा सबमिट करेगा ना वो लिखा, एक्सपेरिमेंट के पहले एक ब्लैंक शीट चाहिए, ब्लैंक शीट पे तुम इतना सब कुछ तो लिखना चाहिए एक्सपेरिमेंट ऑन करके, क्योंकि झाड़ जो है झाड़ को तो 1 दिन लगता है उगने में, तो तुम पेपर वेस्ट कर ही सकते हो ऐसा। इंजीनियरिंग का क्लास 3 सेक्शंस में बटा हुआ था ना, नहीं 2-3 ना, EXTC बोल रहे ना तू? हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा हाँ ओके ओके हाँ बैचेस 3 बैच हाँ तो A11 A12 A13 पता नहीं ऐसा क्यों 1 2 3 बोल सकते थे, A11 A12 मैट्रिसेस खेल रहे हो लोग इसमें, मैट्रिसेस बन रहे हाँ, तो 3 मैचेस में बैठ गए, तो तेरा मैच सबसे स्पेशल था क्योंकि इसमें सब जबरदस्त लोग थे, एकदम खतरनाक लोग थे, बेसिकली ये वो लोग थे ना जो जिनको 2-3 साल ऐसा ड्रॉप लग के फिर तेरे मैच में, तो बेसिकली उन लोग को पता है कि मतलब दे आर वेरी सेल्फ अवेयर क्या चीज है, अभी सिर्फ वो दूसरों को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि देखो ये हमारा ऑथेंटिक सेल्फ है, हम लोग अभी दुनियादारी से कुछ लेना देना है नहीं, हम ऐसे ही है, हम टी शर्ट पे 4 फोल्ड मार के घुसेंगे कॉलेज में और कोई जज करेगा तो उसको हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे, गाली गाली गलौज करेंगे, और कोई हमें जज भी नहीं करेगा इसके लिए, ऐसा उनका एटीट्यूड ऐसे ही था। और ऊपर से मतलब जिन्होंने बैच बनाया, जिसने भी किया तो मतलब समझने वाली बात है कि ऐसे लोगों को थोड़ा दूसरे लोगों के साथ तू ऐसे डाइवर्सिफाई करेगा, सबके साथ तू मिलाएगा, तो सबका भला होएगा, उनका भी भला होएगा, ये भी उनको थोड़ा अच्छा एक्सपोजर देंगे, बट देवलक नहीं, तुम सबको लास्ट बैच में रखेंगे अपन, हाँ सब एक और गिने चुने 2-3 लोगों को उसमें डालेंगे, हाँ 2-3 नॉर्मल लोगों को उस वाले बैच में डालेंगे, ऐसे हाँ डाल देंगे ताकि वो लोग सफर कर सके। हाँ तो बीटा के बारे में 1-2 आप इंसिडेंट्स बता सकते हो हमारे व्यूअर्स को कुछ है? बाकी कुछ तो है बट अभी रिसेंटली वो एक ग्रुप था जिसमें प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्कशन होते थे, देयर वाज लाइक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सचेंज्ड, सो पीपल स्पोक अबाउट कंपनी के क्या पॉलिसीज होते हैं, मतलब ये कंपनी में कितना पैकेज है, क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, इंटरव्यूज का हो रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द जो ऑन कैंपस वाले अपार्ट फ्रॉम, सो इट वाज लाइक अ रियली सीरियस ग्रुप जहाँ पे सब डिस्कशन होते थे, तो फिर दिस हैपेंड, मोदी ने डिक्लेयर किया, तो उसके बाद
सब ऐसे लोग ऐसे एकदम पैनिक होने लग गए, ऐसे लाइंस वाइंस में लगने लग गए. तो ये बंदा बोलता है कि ये बंदा वो ग्रुप में जहाँ पे इतना सीरियस डिस्कशन हो रहा है, लोग जॉब वॉब का सोच रहे हैं, ये कर रहे हो, उसमें बोलता है कि ए मेरे पास है ना, मेरे पास मैं ना 500 के नोट का, मैं 500 के नोट के जगह पे 450 रुपए देगा, 1000 के नोट के जगह पे 950 रुपए देगा, मेरे को कोई बोलना किसी को चाहिए तो बोलना मेरे को. और हम लोग सोच रहे कि ये भी हमारे साथ ही इंजीनियर बना है, मतलब हम यही है और कुछ नहीं. हम और वो बिल्कुल हाँ बात ही नहीं करता था, इवन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड मतलब क्या था, एक प्रेजेंटेशन भी था, उसका मार्क्स था ठीक है, तो इट काउंटेड लाइक इन योर फाइनल स्कोर, तो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो 2 घंटे का था ठीक है, 9 से लेके 11 बजे तक था ठीक है, ठीक है 9 से 11 था, ग्रुप्स में डिवाइडेड था ठीक है. तो मेरा ग्रुप का जो भी बाकी लोग, चल ठीक है बाकी के लोग भी कैसे भी थे, अच्छा किया मतलब अपना बेस्ट दिया, परफॉर्म मतलब प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंट किया, हुआ सब खत्म हुआ. इट इज 10:55 AM ओके 10:55 AM, 5 मिनट बचा है, खत्म हो गया उन्होंने सबका हो गया. तभी ये बंदा क्लास में आता है, फिर एंट्री मारता है, टेंग 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 टेंग. शाहरुख खान एंट्री मारता है ना उसमें, दिल तो कौन सा मूवी है वो, दिल तो पागल है, मुझको हुई ना खबर, ऐसा एंट्री मार बीटा जो दिल तो पागल है, दिल तो पागल ही है. बीटा एंट्री मारता है सब, समरसॉल्ट मार, मुझको हुई ना खबर. नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, ही वाज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट, ऐसा एक्सप्रेशनलेस था, गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है. अबे मार्क्स दे रहे तेरे को, ऑलमोस्ट आधा तेरा क्रेडिट्स उस पे वो सब्जेक्ट का, तो वो दरवाजा खोल के आके ऐसे खड़ा हो गया ठीक है, और कुछ बोली, गिल्ट सॉरी भी नहीं, सिर्फ खड़ा हो गया. फिर मैम उसको कितना सुनाई, ये बोली वो बोली, ऐसा बोली वैसा बोली, बट ही वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसने कुछ बीटा, बीटा काफी अल्फा का बीटा बस खड़ा है, बस लिटरली खड़ा है, कुछ बोला नहीं कुछ नहीं, खत्म हो गया, हम लोग चले गए, वो उधर ही खड़ा है और वो मैम उसको बोलते ही जा रही है, हम लोग सब निकल गए, हमारा लेजेंड हैज इट कि आज भी उधर ही खड़ा है. रिमोर्स नहीं था उसको इतना कुछ. आज भी उधर ही खड़ा है, दीवार बन गया उसके ऊपर. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. और उसका टीम भी शायद बना हुआ था, मतलब ऐसा इट वाज लाइक 3 people 4 people इन अ ग्रुप एंड दे प्रेजेंटेड समथिंग, तो उसका टीम भी बना था, तो बाकी के लोगों ने किया उसके ग्रुप के, दो लोग थे उन लोगों ने कर दिया था, बट ये आया ही नहीं था. सबने किया होगा, पूरे कॉलेज ने कर दिया होगा, इसने ही नहीं किया होगा. वो बंदे ने भी कर दिया जो फोन लेने आता है. वो बंदा जो 1000 रुपए का फाइन मारता है ब्लैक कपड़े वाला, वो भी प्रेजेंटेशन दे दिया उसने, अपने थीसिस प्रेजेंट किया अपना, स्नैचिंग पे फोन स्नैचिंग वाला थीसिस प्रेजेंट किया उसने, बनाने वाला ने भी कर दिया प्रेजेंट, लाइक दिस इज चाइनीज हेरिटेज, दिस इज चाइनीज फूड, हाउ इट इज मेड, एंड दिस इज एग्जैक्टली नॉट व्हाट वी डू हियर.